भगवान पर भरोसा रखना ऐसा है जैसे तुम एक मजबूत नींव पर खड़े हो। चाहे जीवन में कितने भी झटके आएं, वह नींव तुम्हें गिरने नहीं देगी। भगवान तुम्हारे जीवन की सुरक्षा की डोर संभाल रहे हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो और कोई सहारा नहीं है, तब यह याद करो कि भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उनके पास तुम्हारे जीवन की हर परेशानी का हल है, बस तुम्हें उन पर विश्वास बनाए रखना होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे कृष्ण जरूर लिखें। जिंदगी एक जंग है जहां हर दिन हमें अपनी चुनौतियों से लड़ना होता है। हार जीत का फैसला तभी होता है जब हम मैदान में डटकर खड़े रहते हैं। हार मानना आसान है, लेकिन लड़ते रहना ही असली वीरता है। जिंदगी की जंग में वो ही जीतते हैं जो हार से डरते नहीं। हर संघर्ष एक नई शुरुआत का मौका होता है और हर मुश्किल तुम्हें मजबूत बनाने का जरिया है। लड़ो, जब तक तुम अपने सपनों को सच नहीं कर लेते। जिंदगी एक जंग है और इस जंग में जीतने के लिए हिम्मत, धैर्य और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। मुश्किलें आएंगी, रास्ते कठिन होंगे, पर जो बिना रुके चलता रहेगा वही अंत में जीत हासिल करेगा। जिंदगी की जंग आसान नहीं होती, लेकिन जो लोग अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखते हैं और धैर्य से काम लेते हैं, वही इस जंग को जीतने में सफल होते हैं। हर दिन को एक नई चुनौती की तरह स्वीकार करो और डटकर सामना करो। इस जंग में तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा आत्मविश्वास है। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, परिस्थितियां तुम्हें कमजोर बनाएंगी, लेकिन अगर तुम अपने ऊपर विश्वास रखोगे तो कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। जिंदगी की जंग में हर रोज एक नई लड़ाई होती है, लेकिन हर जीत तुम्हें और मजबूत बनाती है। जीत की असली खुशी तभी मिलती है जब तुमने संघर्ष की आग में तपकर उसे हासिल किया हो। इस जंग में हारने से डरना मत। हारना एक प्रक्रिया है जो तुम्हें सिखाती है कि कैसे और बेहतर बनना है। अगर तुमने हार से सीख ली और फिर से खड़े हो गए तो तुम्हारी जीत निश्चित है। जिंदगी की जंग में कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो। जो लोग अपने सम्मान के साथ जीते हैं, वो हर जंग जीत लेते हैं, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। हर कठिनाई एक नई जंग लेकर आती है, लेकिन हर कठिनाई तुम्हें और मजबूत बनाती है। जो इंसान हर परिस्थिति में खुद को संभाल लेता है, वो जिंदगी की हर जंग में विजयी होता है। जिंदगी की जंग में हार और जीत दोनों ही मायने रखती हैं। हार तुम्हें सिखाती है कि कहां सुधार करना है, और जीत तुम्हें सिखाती है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जिंदगी की जंग में हार मान लेना सबसे बड़ी हार है। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि अंत में वही जीतता है जो सबसे ज्यादा जूझता है और खुद पर विश्वास करता है। जिंदगी एक जंग है, लेकिन यह जंग लड़ने लायक है। हर कठिनाई, हर संघर्ष तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाता है जहां तुमने खुद को हमेशा देखा था। लड़ो और अपनी तकदीर खुद लिखो। हर दिन जिंदगी के मैदान में एक नई जंग शुरू होती है। हर नई जंग तुम्हारे लिए एक मौका है, मौका खुद को साबित करने का, मौका अपने सपनों को साकार करने का। लड़ो, क्योंकि यही तुम्हारा समय है। जिंदगी की जंग में जीतने का तरीका है, कभी हार मत मानो और कभी रुकना मत। जब तक तुम चलते रहोगे, तुम कभी हार नहीं सकते। धैर्य, आत्मविश्वास और मेहनत तुम्हें जीत दिलाएंगे। जिंदगी की जंग में तुम तभी जीतते हो जब तुम दूसरों की सोच से ऊपर उठकर खुद को साबित करते हो। लोगों की बातें तुम्हें गिराने के लिए होंगी, पर तुम्हारा उद्देश्य तुम्हें उठाने के लिए होगा। जिंदगी की जंग में सबसे बड़ा योद्धा वही है जो अंदर से सबसे शांत होता है। धैर्य, संयम और आत्मनियंत्रण से तुम हर जंग जीत सकते हो, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जिंदगी की जंग में डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। डर तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, और जब तुम इस डर को पार कर लेते हो, तभी तुम असली जीत का स्वाद चख सकते हो। जिंदगी की जंग में हर चोट, हर दर्द तुम्हें और मजबूत बनाता है। गिरना मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि तुम कितनी बार गिरकर फिर से उठ खड़े होते हो और फिर से लड़ने के लिए तैयार होते हो। इस जंग में धैर्य तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। जब तक तुम धैर्य से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे,
तब तक कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती। समय लगेगा, पर जीत तुम्हारी ही होगी। जिंदगी की जंग में विजयी वही होता है जो खुद को हर परिस्थिति में ढाल लेता है। जो व्यक्ति हर बदलाव को अपनाकर अपने कदमों को मजबूत बनाए रखता है, वही अंत में विजेता कहलाता है। सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। अगर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए समर्पित हैं, तो हर मुश्किल आपके सामने छोटी लगने लगेगी। हार मानने से पहले एक बार और कोशिश जरूर करें। हो सकता है सफलता सिर्फ एक कदम की दूरी पर हो। किसी भी काम को करने से पहले उसके परिणाम के बारे में मत सोचो। अगर आप पहले से ही हार जाने की सोचेंगे तो कभी जीत नहीं पाएंगे। अपनी मेहनत और लगन पर विश्वास रखो। जब आप खुद पर यकीन करेंगे तो हर असंभव काम भी संभव लगने लगेगा। जीवन में कठिनाइयां तो आती ही रहेंगी, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कैसे देखते हैं। कठिनाइयों को एक मौका समझो जो आपके भीतर छुपी हुई ताकत और साहस को बाहर निकालने में मदद करती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों के प्रति सच्चे और ईमानदार होते हैं। असफलता से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपको आपकी गलतियों से सीखने का मौका देती है। कोशिश करते रहो, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। यह दुनिया किसी के लिए स्थायी नहीं है। यहां पर सब कुछ अस्थायी है। दुख हो या सुख, सफलता हो या असफलता, सब कुछ बदलता रहता है। इस सच्चाई को समझकर हमें जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए, क्योंकि हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह का उदय होता है। यह संसार क्षणिक है, किसी के पास भी स्थायी नहीं रहता। इस सच्चाई को समझने से जीवन में हर उतार चढ़ाव का सामना करना आसान हो जाता है। जब समय अच्छा हो उसे सराहो, और जब बुरा समय हो तब धैर्य रखो, क्योंकि दोनों ही स्थितियां स्थायी नहीं हैं। यह जीवन एक सफर है, स्थायी ठिकाना नहीं। हमें रास्ते में मिलने वाली परेशानियों को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि समय बदलता है और कठिनाइयां भी हमेशा के लिए नहीं रहती। सफलता उन्हीं को मिलती है जो बिना रुके चलते रहते हैं। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख और न ही दुख। इसलिए हमें हर परिस्थिति का स्वागत खुले दिल से करना चाहिए, और यह विश्वास रखना चाहिए कि यह भी गुजर जाएगा। यही जीवन का नियम है। इस संसार में कुछ भी अटल नहीं है, न तो जीत स्थायी है न हार। समय के साथ सब बदल जाता है। इसलिए जब तुम सफल हो तो विनम्र रहो, और जब असफल हो तो धैर्य रखो। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के हिस्से हैं। यह दुनिया कभी किसी के लिए स्थायी नहीं रही है। यहां आने और जाने का सिलसिला चलता रहता है। इसलिए वर्तमान में जियो, अपने कर्म पर ध्यान दो और जीवन की हर चुनौती को स्वीकार करो। सफलता उसी को मिलती है जो हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का साहस रखता है। दुनिया का नियम है कि हर चीज अस्थायी है, चाहे वह खुशी हो या गम, सफलता हो या असफलता। इसलिए हमें किसी भी स्थिति में हार मानकर बैठना नहीं चाहिए, बल्कि हर परिस्थिति से कुछ सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। यह संसार अस्थायी है, न तो जीत हमेशा के लिए रहती है न हार। इस सच्चाई को समझो और हर परिस्थिति में खुद को संतुलित रखो। यही जीवन का सार है। मेहनत करते रहो, परिणाम चाहे जो भी हो, यह समय भी बदल जाएगा। इस दुनिया में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। हर दिन नया अवसर लाता है, हर रात एक नई उम्मीद। जो लोग इसे समझ जाते हैं वे ही जीवन की सच्ची खुशी और सफलता को पा सकते हैं। अपने सपनों के लिए लड़ो, क्योंकि यह समय भी हमेशा के लिए नहीं है। दुनिया की हर चीज अस्थायी है, चाहे वह खुशी हो या गम, प्यार हो या नफरत। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में हर स्थिति बदलती रहती है। जो लोग इस सच्चाई को समझते हैं वे ही अपने जीवन में स्थायी शांति और संतुलन पा सकते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। जो आज तुम्हारे साथ है वह कल नहीं होगा, और जो कल तुम्हारे साथ नहीं है वह फिर से तुम्हारे पास आ सकता है। यह संसार केवल एक मंच है जहां हर व्यक्ति को अपनी भूमिका निभानी है। हमें अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अपने कर्मों में ईमानदारी और निस्वार्थ भाव रखना चाहिए। भगवान तुम्हारी मेहनत और निष्ठा को देखते हैं, और जब समय सही होता है तो तुम्हें उसका उचित फल भी मिलता है। एक और बात जो तुम्हें हमेशा याद रखनी चाहिए वह है समर्पण।
समर्पण का अर्थ केवल अपने काम को पूरी निष्ठा से करना नहीं है, बल्कि अपनी जीवन की हर स्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखना भी है। चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, अगर तुम्हारा विश्वास अडिग है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। मैंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को यही सिखाया था कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने कर्म करता है वह कभी विफल नहीं होता। युद्ध का मैदान केवल बाहरी दुनिया में नहीं होता, बल्कि हमारे मन के भीतर भी होता है। क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या जैसे विकारों से लड़ना भी एक युद्ध है। यह आंतरिक युद्ध हम तभी जीत सकते हैं जब हम अपने मन और विचारों को नियंत्रित कर सकें। ध्यान और भक्ति से मन को शांत करो और सही मार्ग पर चलते रहो। जो अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्चा विजेता है। अतः जीवन के हर मोड़ पर, हर परिस्थिति में अपने कर्म करते रहो, भगवान पर विश्वास रखो और अपने मन को संतुलित रखकर जीवन की चुनौतियों का सामना करो। कर्म और समर्पण का यह मार्ग ही तुम्हें सच्ची सफलता और आनंद की ओर ले जाएगा। याद रखो, जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे और भगवान पर भरोसा नहीं रखोगे, तब तक तुम्हें जीवन में शांति नहीं मिल सकती। तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, इसलिए निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहो और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो। जीवन का यही सबसे बड़ा सत्य है, जीवन में सफलता और असफलता स्थायी नहीं होती। यह संसार परिवर्तनशील है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारी पहचान है, न कि उसके परिणाम। तुम्हें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि संसार का नियम परिवर्तन है। दुख हो या सुख, बुरे दिन हो या अच्छे, सब बीत जाएंगे। जो समय के साथ नहीं बदलता वह पीछे रह जाता है। इसलिए हर स्थिति में धैर्य और संयम से काम लो। कर्म का महत्व सबसे बड़ा है। अगर तुम अपने कर्म को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हो तो सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन याद रखो, कर्म निस्वार्थ हो, फल की चिंता किए बिना किया गया कर्म ही सच्ची सफलता लाता है। मनुष्य के जीवन का असली उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है। सांसारिक सुख सुविधाओं के पीछे भागना केवल मोह माया है। सच्ची खुशी तभी मिलती है जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हो और उसे जीने का प्रयास करते हो। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और मोह हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। इनसे लड़ना ही सच्चा युद्ध है। बाहरी युद्ध से पहले हमें अपने भीतर के इन विकारों पर विजय पानी होगी। जिसने अपने मन को जीत लिया वही सच्चा विजेता है। दुख इंसान को उसकी असली ताकत दिखाता है। जब हम दुख के द्वार से गुजरते हैं तभी हमें समझ आता है कि हम कितने मजबूत हैं और कितनी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। दुख की गहराई हमें जीवन की सच्चाई से रूबरू कराती है। जिस दिन हम दुख को स्वीकार कर लेते हैं उस दिन हम उस शक्ति को पा लेते हैं जो हमें हर हालात में स्थिर रखती है। दुख एक ऐसा शिक्षक है जो हमें बिना कहे बहुत कुछ सिखा देता है। इससे हम धैर्य, सहनशीलता और सही मायने में प्रेम का अर्थ समझते हैं। दुख कभी स्थायी नहीं होता, यह भी एक मौसम की तरह होता है। जब दुख की घड़ी गुजरती है तब हम अपने अंदर एक नई उम्मीद और ताकत का एहसास करते हैं। दुख में जो व्यक्ति मुस्कुरा सके वही सच्चे अर्थों में जीवन जीना जानता है। ये मुस्कान उसकी आंतरिक शक्ति की प्रतीक होती है। सुख उस क्षण में होता है जब हम वर्तमान में जीते हैं, बिना किसी चिंता के, बिना किसी लालसा के। सुख असल में हमारे विचारों की शांति में छुपा होता है। सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे पलों में होता है जो हमारे दिल को खुशी से भर देते हैं। सबसे बड़ा सुख तो तब मिलता है जब हम दूसरों को खुश देखकर खुश होते हैं। सच्चा सुख वही है जो अपने आसपास के लोगों की खुशियों में शामिल हो। जब हम अपने व्यक्तिगत सुख को दूसरों के साथ साझा करते हैं तब वह और अधिक बढ़ जाता है। सुख की खोज हमें तभी पूरी होती है जब हम इसे बाहरी चीजों में ढूंढना छोड़ देते हैं और अपनी आत्मा की शांति में सुख का अनुभव करते हैं। सुख के पीछे भागने से कभी सुख नहीं मिलता, यह तो वही मिल जाता है जब हम जीवन के हर क्षण को पूरी तन्मयता से जीते हैं। जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इसमें हर मोड़, हर ठहराव,
हर व्यक्ति और हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। इस यात्रा को सार्थक वही बनाता है जो इसे पूरी तरह से जीता है। जीवन की असली खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। जीवन का सार तो परोपकार में है। जीवन को सरल बनाना हमारा कर्तव्य है और इसे जटिल हम खुद ही बनाते हैं। जिस दिन हम इसे समझ लेते हैं उस दिन से जीवन जीना आसान हो जाता है। जीवन एक किताब की तरह है जिसमें हर दिन एक नया पन्ना होता है। हमारे हाथ में यह है कि हम उस पन्ने को कैसे लिखते हैं और उसे किस दिशा में मोड़ते हैं। जीवन का हर क्षण मूल्यवान है। हमें हर पल को पूरी तरह से जीने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि यह फिर कभी वापस नहीं आएगा। मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है जिसे हर व्यक्ति को स्वीकार करना होता है। यह कोई अंत नहीं है बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। मृत्यु को हमेशा नकारात्मक रूप में देखा जाता है लेकिन यह एक ऐसा परिवर्तन है जो हमें नए रूप में अस्तित्व में लाता है। मृत्यु से डरने का कोई कारण नहीं है क्योंकि यह जीवन का प्राकृतिक क्रम है। जो व्यक्ति इसे सहजता से स्वीकार करता है वह जीवन को पूरी तरह से जी पाता है। मृत्यु को याद रखना हमें यह सिखाता है कि हमारे पास सीमित समय है और हमें इसे सार्थक तरीके से जीना चाहिए। यही हमें जीवन की हर क्षण की अहमियत बताता है। मृत्यु जीवन का एक हिस्सा है और इसे समझने के बाद हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को भी अधिक सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। पैसा जीवन की सभी समस्याओं का समाधान नहीं है लेकिन यह हमें कुछ समस्याओं से निपटने की क्षमता देता है। इसके बावजूद खुशी का असली स्रोत यह नहीं है। पैसा एक साधन है, लक्ष्य नहीं। इसे साधन मानकर हम इसे संतुलित रूप से उपयोग कर सकते हैं वरना यह हमारे जीवन को भटका सकता है। पैसे से सभी सुख नहीं खरीदे जा सकते। सच्चा सुख तो रिश्तों में, प्रेम में और उस सुकून में है जो हमें हमारे अपने दिल से मिलता है। पैसा हमारे जीवन की जरूरतें पूरी कर सकता है लेकिन यह कभी भी आत्मा की शांति नहीं दे सकता। इसके लिए हमें अन्य स्रोतों की तलाश करनी होती है। पैसा एक जरूरी संसाधन है लेकिन इसका मूल्य तभी है जब हम इसे सही दिशा में उपयोग करते हैं। धन का सही उपयोग वही है जो समाज और स्वयं के विकास में योगदान दे। दुख और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम दुख को स्वीकार कर लेते हैं तभी हम सच्चे सुख का अनुभव कर पाते हैं। जीवन एक रंगमंच है जिसमें हम सब अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। दुख, सुख, मृत्यु और पैसा, ये सभी इस नाटक के हिस्से हैं और हमें इसे पूरा करना है। दुख और मरण जीवन की कठोर सच्चाई है लेकिन जब हम जीवन को उसकी पूरी गहराई से समझते हैं तभी हम सुख और धन की असली अहमियत जान पाते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि सब कुछ अस्थाई है। दुख, सुख, पैसा और यहां तक कि हमारा जीवन भी। यही अस्थायीता हमें हर क्षण को पूरी तरह से जीने का सिखाती है। धन और सुख के पीछे भागने से जीवन की असली खूबसूरती खो जाती है। जब हम संतोष के साथ जीवन जीते हैं तभी हमें दुख और मरण की सच्चाई से भय नहीं लगता। कठिनाइयां आती हैं लेकिन हमें उन्हें अपने सपनों का हिस्सा बनाना है। जब जिंदगी आपको नीचे गिराने की कोशिश करती है तब आपको और भी मजबूती से खड़े होना चाहिए। यह याद रखें कि किसी भी लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण चीज हार मानना नहीं बल्कि लड़ते रहना है। जिंदगी की जंग में सिर्फ वो हारता है जो लड़ना बंद कर देता है। संघर्ष से डरना नहीं चाहिए क्योंकि यही संघर्ष हमें वो ताकत देता है जो हमें असंभव को संभव करने की हिम्मत देता है। हर मुश्किल वक्त एक नई सीख देता है और हर जंग हमें और मजबूत बनाती है। हारने से पहले एक बार और कोशिश करना हमें जिंदगी के हर मैदान में जीत दिला सकता है। जिंदगी की जंग में असली योद्धा वो होता है जो हर चुनौती का सामना दिल से करता है। हार और जीत तो बस अनुभव हैं। असली जीत तो मन की स्थिरता और साहस में होती है। हर दिन नई जंग लेकर आता है लेकिन हर रात हमें यह सिखाती है कि कल फिर से उठकर लड़ने का मौका मिलेगा। जिंदगी तभी आसान होती है जब हम उसे मुश्किल समझकर उसे हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। जब जिंदगी के रास्ते कठिन हो जाएं तब हमें रुकना नहीं चाहिए।
ये कठिनाइयां ही हमारी ताकत बनती हैं और हमें यह दिखाती हैं कि हम कितने मजबूत हैं। जो लोग जिंदगी की जंग में असफलताओं से डरते हैं, वो कभी असली सफलता का स्वाद नहीं चख पाते। हर असफलता हमें और भी मजबूत बनाती है और हर संघर्ष हमें और भी निडर बनाता है। कभी कभी जिंदगी की जंग में हमें अपनों से भी लड़ना पड़ता है, लेकिन याद रखें, यह जंग अपने लक्ष्य को पाने के लिए है और यही आपका सबसे बड़ा हथियार है। जिंदगी की जंग में सबसे जरूरी चीज होती है खुद पर विश्वास करना। अगर आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं पाएगी। कभी कभी हार कर ही हम जीतने का रास्ता पाते हैं। हार से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर हार हमें कुछ नया सिखाती है और हर जंग हमें और मजबूत बनाती है। जिंदगी की जंग में हर मोड़ पर चुनौतियां होती हैं, लेकिन यह चुनौतियां ही हमें वो सीख देती हैं जो हमें जीतने के काबिल बनाती हैं। जिंदगी की जंग में जीतने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास सबसे बड़े हथियार हों। जरूरी है कि आपके अंदर सबसे बड़ा दिल और साहस हो। हर जंग जो आप लड़ते हैं, चाहे वो बड़ी हो या छोटी, वो आपको कुछ सिखाती है। इसलिए जिंदगी की हर जंग को एक नई सीख और अनुभव के रूप में देखें। जिंदगी की जंग में जो गिरता है और फिर से उठता है, वही असली योद्धा होता है। गिरना कोई हार नहीं, हार तो तब होती है जब आप उठने की कोशिश छोड़ देते हैं। जिंदगी की जंग में हार मानने का सवाल ही नहीं है। हमें हर परिस्थिति में लड़ना है, चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना हों। यही संघर्ष हमारे चरित्र को निखारता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन वही पल हमें सबसे बड़ी जंग जीतने की तैयारी करा रहा होता है। जिंदगी की जंग में हार और जीत के बीच सबसे बड़ा अंतर हमारा आत्मविश्वास होता है। अगर आप खुद पर यकीन करेंगे तो कोई भी जंग आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी जंग बहुत लंबी है और हार निश्चित है, लेकिन याद रखें, जंग में अंतिम विजय उसी की होती है जो अंत तक लड़ता रहता है। जिंदगी की जंग में खुद को कभी कमजोर मत समझो। हर व्यक्ति के अंदर असीम ताकत होती है, बस उसे पहचानने और इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। हर जंग जो आप लड़ते हैं वो आपको और मजबूत बनाती है। इसलिए जिंदगी की जंग को एक मौका समझो खुद को और बेहतर बनाने का। जिंदगी की जंग में सबसे कठिन जंग वो होती है जो हम अपने आप से लड़ते हैं, लेकिन जब हम इस जंग में जीतते हैं तो हमें बाहरी जंग से डरने की कोई जरूरत नहीं होती। जिंदगी की जंग में सबसे बड़ी जीत वही होती है जब हम अपने डर और असफलताओं को मात देते हैं और आगे बढ़ते हैं। कभी हार मत मानो। जिंदगी की जंग में अगर आज हार गए तो क्या हुआ, कल फिर से लड़ने का एक और मौका मिलेगा। जिंदगी की जंग में हार और जीत हमारी मानसिकता पर निर्भर करती है। अगर आप खुद को विजेता मानेंगे तो आप हर जंग जीतेंगे। जिंदगी की जंग में मुश्किलें आपकी दुश्मन नहीं होती, बल्कि आपके साथी होती हैं, जो आपको मजबूत और सक्षम बनाती हैं। जब तक आप हार मानने की सोच नहीं लेते, तब तक कोई भी आपको जिंदगी की जंग में हरा नहीं सकता। जिंदगी की जंग में आपके सामने कितनी भी कठिनाइयां आएं, बस याद रखें, हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। जिंदगी की जंग में सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार से सीखते हैं और उसे जीत का मार्गदर्शक बनाते हैं। जब आपको लगे कि आप हार रहे हैं, तब रुके नहीं, क्योंकि वही समय होता है जब आपकी असली जीत करीब होती है। जिंदगी की जंग में केवल वही जीतता है जो अपने डर से नहीं, बल्कि अपने सपनों से प्रेरित होता है। आपकी ताकत और हिम्मत का असली परीक्षण तब होता है जब आप जिंदगी की सबसे कठिन जंग लड़ रहे होते हैं। जिंदगी की जंग में हर हार
आपको एक कदम और जीत के करीब ले जाती है। इसलिए हार से घबराएं नहीं, उसे अपनी ताकत बनाएं। जिंदगी की जंग में आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है आपका आत्मविश्वास। अगर आपने खुद पर यकीन किया तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। हर जंग आपको मजबूत बनाती है और हर हार आपको नई सीख देती है। जिंदगी की जंग में असली जीत वो होती है जब आप अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल लेते हैं। जिंदगी की जंग में लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार होता है धैर्य। धैर्य रखिए और हर परिस्थिति का डटकर सामना कीजिए। जिंदगी की जंग में हार मानने का कोई विकल्प नहीं होता। हर मुश्किल के पीछे एक नई सफलता छिपी होती है। जिंदगी की जंग में असली योद्धा वो होता है जो हर मुश्किल को अपने साहस से मात देता है और आगे बढ़ता है। जिंदगी की जंग में हारना भी एक अनुभव है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हर जंग जो हम लड़ते हैं, चाहे वो बड़ी हो या छोटी, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। जिंदगी की जंग में सबसे बड़ी ताकत होती है हमारे सपने। जो लोग अपने सपनों को साकार करने की जिद रखते हैं, वही असली योद्धा होते हैं। जिंदगी की जंग में हार को स्वीकार करना कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि वो एक अवसर होता है खुद को और बेहतर बनाने का। जिंदगी की जंग में सबसे महत्वपूर्ण होता है अपनी गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना। हर संघर्ष हमें मजबूत बनाता है और हर असफलता हमें सिखाती है कि हम और बेहतर कर सकते हैं। जिंदगी की जंग में जीत का मतलब सिर्फ दूसरों से आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि खुद से बेहतर बनना भी असली जीत होती है। कठिन समय का सामना करने के लिए सबसे बड़ा हथियार है आपका धैर्य और आत्मविश्वास। जब जीवन की राह में बाधाएं आएं, तब याद रखें कि हर मुश्किल का अंत एक नए अवसर की शुरुआत है। रास्ते कठिन जरूर होंगे, लेकिन वे आपकी ताकत और क्षमता को निखारने के लिए ही बने हैं। जीवन के हर कठिनाई भरे मोड़ पर अपने मन को यह विश्वास दिलाएं कि मैं इससे भी बड़ा हूं। परेशानियां जीवन की अस्थाई सच्चाई हैं, परंतु आपका साहस और हिम्मत आपकी स्थाई पहचान है। स्वयं पर भरोसा रखें, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब सारी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए, तब अपने सपनों के प्रति सच्चे रहें। अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे तो सारा ब्रह्मांड आपको सफल बनाने के लिए प्रयास करेगा। कठिन समय आपकी क्षमता और धैर्य की परीक्षा लेता है, और यही परीक्षा आपको सच्चे विजेता बनाती है। मुश्किलें केवल आपके रास्ते का पत्थर नहीं है, बल्कि वे सीढ़ियां हैं जो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाती हैं। जब आप ठोकर खाएं तो रुकने के बजाय उससे सीखें और पहले से अधिक मजबूती से खड़े हो जाएं। आपकी मेहनत और समर्पण ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कठिन समय में धैर्य रखें, क्योंकि वही आपकी सच्ची ताकत है। जीवन में जो भी मुश्किलें आती हैं, वे आपको मजबूत बनाने और आपकी क्षमता को उजागर करने के लिए ही आती हैं। हर रात के बाद एक नया सवेरा होता है, हर बुरे वक्त के बाद एक अच्छा वक्त जरूर आता है। अगर जिंदगी में चुनौतियां नहीं होती तो आपकी ताकत का पता कैसे चलता। परेशानियों का सामना करने से न डरें, क्योंकि ये वही पल हैं जो आपको खुद के बारे में वह सब कुछ सिखाएंगे जो शायद आप कभी नहीं जान पाते। विश्वास और धैर्य को अपना साथी बनाएं और हर मुश्किल को पार करें। जब समय कठिन हो, तब अपनी मेहनत को दोगुना कर दो। एक ऐसा दिन जरूर आएगा जब आपकी मेहनत रंग लाएगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। रास्ता भले ही लंबा और कठिन हो, लेकिन अगर आपका संकल्प मजबूत है तो मंजिल तक पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जीवन में हर कठिनाई एक अवसर है अपने भीतर छिपी संभावनाओं को उजागर करने का। जब आप खुद पर यकीन रखते हैं तो कोई भी मुश्किल आपका रास्ता नहीं रोक सकती। याद रखें, सच्ची जीत वही है जो कठिनाइयों को पार कर हासिल की जाए। हर बुरे समय के बाद एक अच्छा समय जरूर आता है, और हर कठिनाई का अंत एक नई शुरुआत होती है। अपने मन में विश्वास बनाए रखें और चुनौतियों का सामना करें। याद रखें, मजबूत इंसान वही है जो ठोकर खाकर भी अपने पैरों पर खड़ा हो सके।
जब आप खुद को कठिनाइयों में घिरा पाते हैं, तब उस क्षण को अपने चरित्र और दृढ़ता को निखारने का मौका समझें। जीवन की सबसे बड़ी सीखें उन पलकों में छुपी होती हैं, जो हमें हमारे आराम क्षेत्र से बाहर निकालकर हमें वास्तविकता का सामना करने पर मजबूर करती हैं। हर वो मुश्किल जो आपको कमजोर करने के लिए आती है, दरअसल वही आपको सबसे अधिक मजबूत बनाती है। अपने सपनों के प्रति सच्चे रहें और ये विश्वास बनाए रखें कि ये बुरे दिन भी गुजर जाएंगे। धैर्य और हिम्मत से हर मुश्किल का सामना करें। कठिन समय में सबसे बड़ी जीत है अपने मनोबल को ऊंचा रखना। याद रखें, समस्याएं सदा के लिए नहीं होती, वे सिर्फ एक चुनौती की तरह आती हैं। पर जो इंसान अपने मन को नहीं हारता, वह हर कठिनाई पर विजय पा सकता है। अगर आप सोचते हैं कि यह दौर कठिन है, तो जान लें कि हर महान व्यक्ति ने किसी न किसी कठिन दौर का सामना किया है। अपने सपनों को छोड़ने के बजाय उस कठिन समय को अपनी प्रेरणा बना लें और स्वयं को पहले से भी अधिक मजबूत बनाएं। कठिनाइयों में हिम्मत और धैर्य को न छोड़ें। हर बुरे समय के बाद अच्छा समय आता है, और अगर अभी हालात कठिन हैं, तो समझिए कि आपकी कहानी में सबसे सुनहरा अध्याय आने वाला है। बस खुद पर यकीन बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। मुश्किलों के बीच छुपा होता है एक सुनहरा अवसर। जो इन कठिनाइयों को झेलते हुए अपनी राह पर कायम रहते हैं, वही जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं। तो अपने हर कदम को मजबूती से रखें और हर समस्या को अपने अनुभव में तब्दील कर लें। कठिन समय आपकी परीक्षा लेता है, लेकिन यह भी दिखाता है कि आप कितने मजबूत और दृढ़ निश्चयी हैं। हर उस पल को गले लगाएं जो आपको गिराने की कोशिश करता है, क्योंकि यह वही पल है जो आपकी सच्ची ताकत को उजागर करेगा। जब आप कठिन समय से गुजर रहे हों, तो याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। यह दौर भी एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन जो अनुभव और सीख आप इसमें पाएंगे, वह आपके जीवन का सबसे अनमोल खजाना होगा। जब कठिनाइयां बढ़ जाएं, तो अपने लक्ष्यों को याद करें और उन्हें अपनी प्रेरणा बनाएं। यह भी याद रखें कि आप जितना संघर्ष करेंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी सफलता की मिठास होगी। बस हर परिस्थिति में अपने मन को शांत और अपने हौसले को ऊंचा रखें। जीवन के हर कठिन मोड़ पर अपनी आत्मा की आवाज सुनें। यह आवाज आपको हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालने का मार्गदर्शन करेगी। धैर्य, साहस और अपने ऊपर विश्वास को अपने सबसे करीबी साथी बनाएं और हर समस्या को अवसर में बदलने का साहस रखें। हर मुश्किल घड़ी में ईश्वर पर और खुद पर विश्वास बनाए रखें। याद रखें, जीवन की सबसे बड़ी जीतें वे होती हैं जो कठिनाइयों के बाद हासिल होती हैं। अपनी हिम्मत को कभी कमजोर न होने दें, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर जीवन में संघर्ष नहीं होता, तो हम अपनी वास्तविक शक्ति को कभी नहीं पहचान पाते। कठिन समय हमारे भीतर छुपी हुई संभावनाओं को उजागर करने के लिए ही आता है। धैर्य और दृढ़ता के साथ हर चुनौती का सामना करें और जीत को अपनी मंजिल बनाएं। जब चारों ओर अंधकार छा जाए, तब अपने भीतर के उजाले की ओर देखें। वही आपका सच्चा मार्गदर्शक है। कठिनाइयां केवल बाहरी होती हैं, परंतु आपकी आत्मा की शक्ति अनंत है। उस शक्ति को पहचानें और जीवन की हर बाधा को पार करें। जब तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, तब समझो कि भगवान तुम्हारे लिए कुछ बड़ा और अद्भुत योजना बना रहे हैं। वे कभी भी तुम्हें निराश नहीं करेंगे। ईश्वर का प्रेम अनंत है, वह समय और स्थान से परे है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तब भगवान नई शुरुआत की आशा देते हैं और तुम्हें आगे बढ़ने का साहस प्रदान करते हैं। भक्ति वह दीपक है जो जीवन की सबसे गहरी रात में भी जलता रहता है। भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, वे हमेशा उनके दिल में निवास करते हैं। कठिनाइयां भगवान की ओर से एक परीक्षा होती है, और जो भक्त अपने विश्वास को बनाए रखते हैं, वे ईश्वर की कृपा से हर बाधा को पार कर जाते हैं। भगवान कभी भी अपने भक्त को असहाय नहीं छोड़ते। भगवान की उपस्थिति उस सुगंध की तरह होती है जिसे महसूस किया जा सकता है, परंतु देखा नहीं जा सकता। वह हमेशा तुम्हारे आसपास होते हैं, चाहे तुम्हें उनका अस्तित्व महसूस हो या ना हो। जब जीवन में अंधकार छा जाता है और तुम्हें मार्गदर्शन की जरूरत होती है,
तब भगवान उस अनदेखे हाथ की तरह होते हैं जो तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित रूप से आगे बढ़ाते हैं। ईश्वर का साथ उस दीपक की तरह है जो तूफान में भी नहीं बुझता। उनकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन को स्थिर और सुरक्षित बनाए रखती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो। भगवान कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि सच्ची भक्ति और प्रेम उन्हें हर क्षण तुम्हारे पास बनाए रखता है। उनके बिना जीवन की यात्रा अधूरी है और उनके साथ हर कठिनाई छोटी। कठिन समय का सामना करने के लिए सबसे बड़ा हथियार है आपका धैर्य और आत्मविश्वास। जब जीवन की राह में बाधाएं आएं, तब याद रखें कि हर मुश्किल का अंत एक नए अवसर की शुरुआत है। रास्ते कठिन जरूर होंगे, लेकिन वे आपकी ताकत और क्षमता को निखारने के लिए ही बने हैं। जीवन के हर कठिनाई भरे मोड़ पर अपने मन को यह विश्वास दिलाएं कि मैं इससे भी बड़ा हूं। परेशानियां जीवन की अस्थाई सच्चाई हैं, परंतु आपका साहस और हिम्मत आपकी स्थाई पहचान है। स्वयं पर भरोसा रखें, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब सारी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए, तब अपने सपनों के प्रति सच्चे रहें। अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे तो सारा ब्रह्मांड आपको सफल बनाने के लिए प्रयास करेगा। कठिन समय आपकी क्षमता और धैर्य की परीक्षा लेता है, और यही परीक्षा आपको सच्चे विजेता बनाती है। मुश्किलें केवल आपके रास्ते का पत्थर नहीं हैं, बल्कि वे सीढ़ियां हैं जो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाती हैं। जब आप ठोकर खाएं, तो रुकने के बजाय उससे सीखें और पहले से अधिक मजबूती से खड़े हो जाएं। आपकी मेहनत और समर्पण ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कठिन समय में धैर्य रखें, क्योंकि वही आपकी सच्ची ताकत है। जीवन में जो भी मुश्किलें आती हैं, वे आपको मजबूत बनाने और आपकी क्षमता को उजागर करने के लिए ही आती हैं। हर रात के बाद एक नया सवेरा होता है, हर बुरे वक्त के बाद एक अच्छा वक्त जरूर आता है। अगर जिंदगी में चुनौतियां नहीं होती, तो आपकी ताकत का पता कैसे चलता। परेशानियों का सामना करने से न डरें, क्योंकि ये वही पल हैं जो आपको खुद के बारे में वह सब कुछ सिखाएंगे जो शायद आप कभी नहीं जान पाते। विश्वास और धैर्य को अपना साथी बनाएं और हर मुश्किल को पार करें। जब समय कठिन हो, तब अपनी मेहनत को दोगुना कर दो। एक ऐसा दिन जरूर आएगा जब आपकी मेहनत रंग लाएगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। रास्ता भले ही लंबा और कठिन हो, लेकिन अगर आपका संकल्प मजबूत है, तो मंजिल तक पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जीवन में हर कठिनाई एक अवसर है अपने भीतर छिपी संभावनाओं को उजागर करने का। जब आप खुद पर यकीन रखते हैं, तो कोई भी मुश्किल आपका रास्ता नहीं रोक सकती। याद रखें, सच्ची जीत वही है जो कठिनाइयों को पार कर हासिल की जाए। हर बुरे समय के बाद एक अच्छा समय जरूर आता है, और हर कठिनाई का अंत एक नई शुरुआत होती है। अपने मन में विश्वास बनाए रखें और चुनौतियों का सामना करें। याद रखें, मजबूत इंसान वही है जो ठोकर खाकर भी अपने पैरों पर खड़ा हो सके। जब आप खुद को कठिनाइयों में घिरा पाते हैं, तब उस क्षण को अपने चरित्र और दृढ़ता को निखारने का मौका समझें। जीवन की सबसे बड़ी सीखें उन पलकों में छुपी होती हैं जो हमें हमारे आराम क्षेत्र से बाहर निकालकर हमें वास्तविकता का सामना करने पर मजबूर करती हैं। हर वो मुश्किल जो आपको कमजोर करने के लिए आती है, दरअसल वही आपको सबसे अधिक मजबूत बनाती है। अपने सपनों के प्रति सच्चे रहें और ये विश्वास बनाए रखें कि ये बुरे दिन भी गुजर जाएंगे। धैर्य और हिम्मत से हर मुश्किल का सामना करें। कठिन समय में सबसे बड़ी जीत है अपने मनोबल को ऊंचा रखना। याद रखें, समस्याएं सदा के लिए नहीं होती, वे सिर्फ एक चुनौती की तरह आती हैं। पर जो इंसान अपने मन को नहीं हारता, वह हर कठिनाई पर विजय पा सकता है। अगर आप सोचते हैं कि यह दौर कठिन है, तो जान लें कि हर महान व्यक्ति ने किसी न किसी कठिन दौर का सामना किया है। अपने सपनों को छोड़ने के बजाय उस कठिन समय को अपनी प्रेरणा बना लें और स्वयं को पहले से भी अधिक मजबूत बनाएं। कठिनाइयों में हिम्मत और धैर्य को न छोड़ें। हर बुरे समय के बाद अच्छा समय आता है, और अगर अभी हालात कठिन हैं, तो समझिए कि आपकी कहानी में सबसे सुनहरा अध्याय आने वाला है। बस खुद पर यकीन बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। मुश्किलों के बीच छुपा होता है एक सुनहरा अवसर। जो इन कठिनाइयों को झेलते हुए अपनी राह पर कायम रहते हैं,
वही जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं। तो अपने हर कदम को मजबूती से रखें और हर समस्या को अपने अनुभव में तब्दील कर लें। हर परिस्थिति में अपना कर्तव्य निभाओ, चाहे वो कैसी भी हो। अगर तुम सच्चाई और न्याय के पथ पर चलते हो तो भगवान सदैव तुम्हारे साथ होंगे। जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन जो अपने धर्म और कर्तव्य से विचलित नहीं होता वही सच्ची सफलता पाता है। समर्पण सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपनी सीमाओं को पहचान कर भगवान पर समर्पण करते हो तो वह तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाता है। समर्पण का अर्थ है हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखना। संसार में सुख और दुख दोनों ही अस्थाई हैं। जो लोग दुख में भी मुस्कुराना सीख जाते हैं और सुख में भी संयम बनाए रखते हैं, वही सच्चे अर्थों में जीवन को जीते हैं। सुख दुख के इस चक्र में उलझने की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान दो। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसने संसार को जीत लिया। अपने विचारों को सकारात्मक और शुद्ध रखो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। तुम्हें कभी किसी परिणाम से निराश नहीं होना चाहिए। हर असफलता तुम्हें एक नई शिक्षा देती है और सफलता की ओर एक कदम और आगे बढ़ाती है। हर परिस्थिति से कुछ सीखो और आगे बढ़ते रहो। धैर्य सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धैर्य बनाए रखता है वही अंततः सफलता प्राप्त करता है। जब तक तुम अपनी राह पर चलते रहोगे तब तक जीत तुम्हारे कदमों में होगी। इस संसार में जो भी कार्य करो वह निस्वार्थ और ईमानदारी से करो। केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और मानवता के हित में किया गया कार्य ही सबसे श्रेष्ठ होता है। निस्वार्थ सेवा ही जीवन का सर्वोच्च धर्म है। हर इंसान अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखता है। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा भाग्य भी अच्छा होगा। बुरे कर्मों का फल भी बुरा ही होता है। इसलिए हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलो। भय केवल उसी व्यक्ति को होता है जो अपने कर्मों में सच्चाई नहीं रखता। अगर तुम सत्य के मार्ग पर चल रहे हो और अपने कर्मों में ईमानदार हो तो तुम्हें किसी भी चीज का डर नहीं होना चाहिए। भगवान सदैव तुम्हारे साथ हैं। आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर तुम जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। चरित्र ही मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान है। धन, पद और प्रतिष्ठा अस्थाई हैं, लेकिन अच्छा चरित्र सदा जीवित रहता है। आपकी असली संपत्ति आपका चरित्र है। जब सब कुछ खो जाता है तो केवल आपका चरित्र ही आपको फिर से खड़ा कर सकता है। चरित्र वह है जो आप तब होते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता। इसे निखारने के लिए सच्चाई और ईमानदारी को अपनाओ। बुद्धिमानी और योग्यता आपके चरित्र का हिस्सा हो सकती है, लेकिन आपकी ईमानदारी और सच्चाई ही इसे महान बनाती है। चरित्र का निर्माण धीरे धीरे होता है, एक एक अच्छे कर्म से। यह आपकी सोच, आपके कार्य और आपके आदर्शों का प्रतिबिंब है। जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचना आसान हो सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचे रहने के लिए आपका चरित्र ही आपका सबसे बड़ा साथी होता है। सफलता और असफलता आती जाती रहती है, लेकिन आपका चरित्र हमेशा स्थायी रहता है। इसे सहेज कर रखना ही सबसे बड़ी जीत है। दुनिया आपको आपके कार्यों से पहचानती है, लेकिन सच्चे लोग आपको आपके चरित्र से याद रखते हैं। इसलिए चरित्र को सबसे ऊंचा स्थान दो। चरित्र निर्माण का कोई शॉर्टकट नहीं होता, यह निरंतर आत्मसंयम और नैतिकता से प्राप्त होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसका चरित्र है। इसके बिना उसकी सारी सफलता और पहचान अधूरी है। चरित्र निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका आपकी सोच और विचारों की होती है। जो जैसा सोचता है वह वैसा ही बनता है। धन, प्रतिष्ठा और सम्मान अस्थाई हो सकते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र आपको जीवन भर के लिए अमर बना देता है। असली महानता उन लोगों में होती है जिनका चरित्र मजबूत और निडर होता है। ये लोग दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं। चरित्र की परीक्षा विपत्ति के समय होती है। कठिनाइयों के बीच भी जो ईमानदार और सच्चा रहता है वही सच्चे अर्थों में महान होता है। आपकी अच्छाइयों और बुराइयों से आपका चरित्र बनता है। इसलिए हमेशा अच्छाई का रास्ता चुनें
क्योंकि वही आपका भविष्य तय करेगा। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब हम हर मुश्किल के बाद भी खड़े होते हैं। असफलता और चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें पार करने का साहस और धैर्य ही आपको महान बनाता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुस्कुराना जानता है, वही जीवन की असली कला को समझता है। जीवन एक सफर है जहां रास्ते कभी सीधा नहीं होता। कभी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कभी खुशियों का। लेकिन याद रखो, हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। अगर तुम धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखोगे तो हर कठिनाई एक नए अवसर में बदल जाएगी। जीवन में सही दिशा चुनना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन सही दिशा में चलने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। रास्ते में चुनौतियां आएंगी, पर वही इंसान सफल होता है जो अपने लक्ष्य से कभी नजर नहीं हटाता। जीवन में निराशा का समय आता है, पर यह जानना जरूरी है कि हर बुरा वक्त एक नई सीख के साथ आता है। मुश्किलें आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए होती हैं। अगर तुम उन्हें सहन कर पाओगे तो कोई भी बाधा तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकेगी। भगवान पर भरोसा रखो, चाहे तुम्हारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, वह हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। हर दुख के पीछे एक गहरा उद्देश्य होता है और भगवान का साथ तुम्हें हर विपत्ति से उबार लेगा। जीवन में जब रास्ते कठिन हो जाएं और उम्मीदें टूटने लगें, तब भगवान पर अटूट विश्वास बनाए रखो। उन्होंने कभी अपने भक्तों को निराश नहीं किया है और वह समय आने पर तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे। हर दुख और कठिनाई में भगवान के प्रति अपना विश्वास मजबूत करो। जो लोग भगवान पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए कोई भी संकट स्थायी नहीं होता। समय बदलेगा और भगवान तुम्हें उस अंधेरे से निकालकर उजाले की ओर ले जाएंगे। भगवान पर विश्वास करना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह एक गहरा अनुभव है। जब तुम सच्चे दिल से उन पर भरोसा करते हो, तब जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां भी तुम्हें नहीं तोड़ पाती। भगवान पर भरोसा रखना ऐसा है जैसे तुम एक मजबूत नींव पर खड़े हो। चाहे जीवन में कितने भी झटके आएं, वह नींव तुम्हें गिरने नहीं देगी। भगवान तुम्हारे जीवन की सुरक्षा की डोर संभाल रहे हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो और कोई सहारा नहीं है, तब ये याद करो कि भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उनके पास तुम्हारे जीवन की हर परेशानी का हल है, बस तुम्हें उन पर विश्वास बनाए रखना होगा। दुख और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन भगवान पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति हमेशा उनसे ऊपर उठता है। भगवान कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते, बस तुम्हें धैर्य और विश्वास बनाए रखना होगा। भगवान की योजनाएं हमारी सोच से परे होती हैं। जब हमें लगे कि सब कुछ बर्बाद हो रहा है, तब भगवान कुछ बेहतर बनाने की तैयारी में होते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में उन पर भरोसा रखो। जब जीवन में अंधकार छा जाता है और कोई राह नजर नहीं आती, तब भगवान का नाम लेने से ही मन को शांति मिलती है। विश्वास करो, वह तुम्हारी राहें रोशन करेंगे और तुम्हारे जीवन में नई दिशा देंगे। हर मुश्किल घड़ी में भगवान पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि वही जानते हैं कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है। वह तुम्हें कभी ऐसे रास्ते पर नहीं ले जाएंगे जहां तुम्हारी भलाई ना हो। भगवान पर भरोसा रखना ऐसे ही है जैसे अंधेरे में दिया जलाना। चाहे अंधेरा कितना ही गहरा हो, दिया अंधकार को हमेशा मिटा देता है। भगवान की कृपा से तुम्हारे जीवन के अंधकार भी दूर हो जाएंगे। जब जीवन में विपत्तियां आएं, तो घबराओ मत। भगवान ने हर कठिनाई के साथ समाधान भी दिया है। उन पर भरोसा रखो, वह तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। भगवान पर विश्वास रखना हमें वह शक्ति देता है जो किसी भी विपत्ति को झेलने की क्षमता रखती है। जो लोग सच्चे दिल से भगवान पर भरोसा रखते हैं, वे हर परिस्थिति में विजयी होते हैं। हर बुरा वक्त अपने साथ एक अनमोल सीख लेकर आता है। भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही करने वाले हैं। दुख के बाद हमेशा सुख का समय आता है। भगवान पर भरोसा रखकर हर मुश्किल को हंसते हंसते पार करो। वह कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे जीवन में सुख और शांति के नए द्वार खोलेंगे।
भगवान पर भरोसा रखने से मन को शांति मिलती है और हृदय में साहस आता है। चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति हो, भगवान का साथ कभी नहीं छूटता। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भगवान तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खोलते हैं। उन पर भरोसा रखो, क्योंकि वही सबसे बड़ा सहारा है। भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि उनकी योजनाएं हमारी सोच से कहीं बड़ी होती हैं। आज जो तुम्हें दुख दे रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। भगवान पर विश्वास रखो, क्योंकि वह कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है और भगवान तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान पर भरोसा रखना वह विश्वास है जो हमें हर मुश्किल से पार करा देता है। चाहे दुख कितना भी बड़ा हो, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस धैर्य रखो और उनके प्रति अपने विश्वास को बनाए रखो। आपकी असली संपत्ति आपका चरित्र है। जब सब कुछ खो जाता है, तो केवल आपका चरित्र ही आपको फिर से खड़ा कर सकता है। चरित्र वह है जो आप तब होते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता। इसे निखारने के लिए सच्चाई और ईमानदारी को अपनाओ। बुद्धिमानी और योग्यता आपके चरित्र का हिस्सा हो सकती है, लेकिन आपकी ईमानदारी और सच्चाई ही इसे महान बनाती है। चरित्र का निर्माण धीरे धीरे होता है, एक एक अच्छे कर्म से। यह आपकी सोच, आपके कार्य और आपके आदर्शों का प्रतिबिंब है। जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचना आसान हो सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचे रहने के लिए आपका चरित्र ही आपका सबसे बड़ा साथी होता है। सफलता और असफलता आती जाती रहती है, लेकिन आपका चरित्र हमेशा स्थायी रहता है। इसे सहेज कर रखना ही सबसे बड़ी जीत है। दुनिया आपको आपके कार्यों से पहचानती है, लेकिन सच्चे लोग आपको आपके चरित्र से याद रखते हैं। इसलिए चरित्र को सबसे ऊंचा स्थान दो। चरित्र निर्माण का कोई शॉर्टकट नहीं होता, यह निरंतर आत्मसंयम और नैतिकता से प्राप्त होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसका चरित्र है। इसके बिना उसकी सारी सफलता और पहचान अधूरी है। चरित्र निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका आपकी सोच और विचारों की होती है। जो जैसा सोचता है, वह वैसा ही बनता है। धन, प्रतिष्ठा और सम्मान अस्थायी हो सकते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र आपको जीवन भर के लिए अमर बना देता है। असली महानता उन लोगों में होती है जिनका चरित्र मजबूत और निडर होता है। ये लोग दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं। चरित्र की परीक्षा विपत्ति के समय होती है। कठिनाइयों के बीच भी जो ईमानदार और सच्चा रहता है, वही सच्चे अर्थों में महान होता है।